नमस्कार, मैं नीति सैन। नांगलोई थाना पुलिस की टीम ने लूट व स्नैचिंग की 75 वारदातों को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये आरोपी राजधानी दिल्ली में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते थे, जिसके चलते नांगलोई थाना पुलिस की टीम ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नांगलोई थाना पुलिस की टीम ने इलाके में लूट व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर एक रिसीवर को भी नांगलोई थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 75 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ एक स्कूटी भी बरामद की गई है। आपको बता दें, ये आरोपी राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रागीरों के साथ लूट व स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे, जिसको लेकर नांगलोई थाना पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। नांगलोई थाना पुलिस की टीम का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और अहम बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। नरेंद्र नाम के व्यक्ति की कॉल आती है कि उनका मोबाइल फोन स्नैच हो गया है और ये घटना सूरजमल स्टेडियम के सामने घटित होती है, और इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश का काम स्टार्ट करती है FIR लेकर के उचित धाराओं में, और CCTV एनालिसिस करने के बाद फुटेज को देखते हुए स्कूटी जो यूज हुई उस क्राइम में उसको उसके नंबर चेस करते हुए उसके ओनर तक पहुंचते हुए सारी चीज़ों को लोकल इंटेलिजेंस को गैदर करते हुए सारों को मिला करके हमने 2 अक्यूज्ड को 17 तारीख को नेक्स्ट डे पकड़ा। ये राहुल और अभय हैं दोनों अक्यूज्ड, जो कि नांगलोई के राव विहार से पकड़े गए, और इनसे हमको 75 मोबाइल्स रिकवर हुए। इनके इंस्टांस पे हमने जहाँ ये बेचते थे, जिसको देते थे, जो इनका एक तरीके से बायर था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया, अंकित, क्योंकि सुल्तानपुरी में इनका मोबाइल रिसीव करता था, सारे मोबाइल वही खरीदता था और सस्ते दामों में वो लेबरर्स वगैरह को बेच दिया करता था। टोटल इनसे जो रिकवरी हुई है वो 75 मोबाइल्स की हुई है, और जिनमें से 23 मोबाइल्स के हमने केसेस से वर्कआउट किए हैं, 23 मोबाइल के रिगार्डिंग जो केस वर्कआउट हुए हैं, तो हमारे टोटल जो वर्कआउट हैं वो 23 केसेज वर्कआउट हुए हैं। और ये दोनों ही पढ़े लिखे हैं, राहुल एंड अभय, लेकिन शुरू से ही ड्रग अब्यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, तो इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। राहुल और अभय दोनों ग्रेजुएट हैं, गरीब फैमिली से हैं, ड्रग्स के एडिक्टेड हैं, और ड्रग्स के एडिक्टेड होने की वजह से इनको पैसे चाहिए, और वो पैसे इनको मोबाइल स्नैच करके हासिल होते हैं। इनके कुछ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी हैं, जैसे राहुल जो है उसका एक 188 IPC के सेक्शन में पहले इन्वॉल्वमेंट रहा हुआ है। ऐसे अभय का स्नैचिंग का इन्वॉल्वमेंट है 3। ऐसे अंकित, जो कि इनका बायर है, जो कि इनसे मोबाइल खरीदता है, उसका भी रोबरी में एक मुकदमे में प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। जो इनका रिसीवर है अंकित, वो आगे मोबाइल सस्ते दामों में लेबरर बेच दिया करते थे। नेपाल से भी कनेक्शन है कुछ? अभी तक तफ्तीश जारी है और ऐसा कोई कनेक्शन मिला नहीं है। अभी अंकित हमारे पुलिस कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है। अंकित अभी जुडिशियल कस्टडी में है, जैसे PC पे लिया जाएगा तो उससे फर्दर पूछताछ की जाएगी और उससे पता चलेगा कि आगे उसके क्या चैन हैं, क्या लिंक है। कवरी जो है, कौन-कौन से जिलों से ये, मतलब कहां कहां से, किस थाने से, दिल्ली से है? ये अधिकतर दिल्ली से हैं, और हम अभी असर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 75 मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिनमें से 23 केसेज वर्कआउट हुए हैं। अभी तो और केस धीरे 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 वर्कआउट हो रहे हैं, तो एक बार फाइनली हम अभी ये नहीं बोल सकते कि अधिकतर मोबाइल किस जगह से स्नैच हुए हैं, पर जो अभी तक जैसे 23 केसेज वर्कआउट हुए हैं, अधिकतर दिल्ली के ही। अन्य जिलों के भी हैं। अन्य किसी और की गिरफ्तारी की उम्मीद है?
अभी तफ्तीश जारी है, इन लोगों के इंस्टांस पे ही आगे ये खुलेगा कि किसी और व्यक्ति से भी, किसी और क्रिमिनल से भी या किसी और गैंग से भी इनका संबंध है। सर आपके इंफॉर्मेशन क्या सोर्स से हुई है या इस केस में देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस हमने किया और वो जो स्कूटी इस क्राइम में यूज की गई थी उसके नंबर को ट्रैक करते हुए उसके ओनर तक पहुंचे, फिर वो जो चोरी की हुई स्कूटी अधिकतर ये लोग बाय यूज करते हैं क्राइम को कमिट करने में। क्या एक ही व्हीकल से करते थे या अदर व्हीकल? इनका काम हर बार एक नए व्हीकल का यूज करके चोरी करना था और अधिकतर ये हर बार नए व्हीकल को ही यूज करके स्नैचिंग का काम करते थे। सर के जांच में ये सामने आया कि सबने का हर बार नया व्हीकल यूज करते थे, क्या ये वाहन वगैरह बाइक वगैरह भी चोरी करते थे? निश्चित रूप से इन्होंने की होंगी और इस चीज़ को हम एक बार इन्वेस्टिगेशन करते करते ये चीज़ खुलेंगी कि इन्होंने प्रीवियसली कितना व्हीकल्स को चोरी किया है या इनकी मोडस ऑपरेंडी में क्या क्या अदर क्राइम्स भी कमिट किए गए पहले। सर एमपी ने बताया और कितने इन्होंने पहले भेज रखा है मोबाइल को और अभी तफ्तीश जारी है। जिनके पास मोबाइल भेजते थे क्या उनसे पूछताछ की गई, उनको ही बुलाया गया जो मोबाइल लेते थे? अभी जैसा कि मैंने बताया ये 17 तारीख की ही घटना है, अभी धीरे 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 एक इन्वेस्टिगेशन का जो अनरेवल होता जाता है वैसे वैसे ये चीज़ें बाहर खुल के आएंगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्दर लिंक्स इनके अभी ओपन हुए नहीं है, पुलिस का ये प्रयास है कि वो इस चैन को अनरेवल करें। थैंक यू।